कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराएगा, हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया, कि हमारे लिए, कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा, तूने कहा, यह प्याला मेरे रक्त का, मेरे रक्त का नूतन विधान है, नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है, बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, कि हमारा उद्धार, हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की, मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है, कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर, हम पर दया कर, और हमें, और हमें हर बंधन से मुक्त कर, हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमें पिता से मेल कराने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। ये जानिए कि आपका प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु के दिल में आपके लिए योजना है। प्रभु ने जानबूझकर आपको इस प्रार्थना में ले आया है, धन्यवाद दीजिए इसके लिए। और इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे अपने अधिकार में लीजिए, मेरे हृदय और मन को इस समय एकाग्र करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मेरे हर प्रकार की बुराई के बंधन को दूर करके मुझे स्वतंत्र कीजिए। तेरे सानिध्य में बैठने के लिए मुझे कृपा दीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को समझने के लिए मुझे कृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आंखें खोले,
मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को बार बार धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए मौका दिया है। और अपने मन में उम्मीद लाइए कि आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं, जो मेरे लिए आवश्यक है, जो प्रभु जानते हैं, ऐसी उम्मीद लाइए समय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। क्या मतलब इसका? प्रभु ने कहा और वैसा ही हुआ। प्रभु ने कोढ़ी से कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। कोढ़ी उसी वक्त शुद्ध हो जाता है। प्रभु ने अंधे से कहा कि जैसे तुमने विश्वास किया वैसा हो जाए, उसी समय उसकी आंखें खुल जाती हैं। प्रभु के वचनों में रोगियों को चंगा करने, बंधनों से आजाद करने की शक्ति है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 107 उसके वाक्य 20 में। स्तोत्रकार कहता है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें चंगा किया। प्रभु की वाणी में हमें चंगा करने की शक्ति है, इसीलिए हम रोगियों को प्रभु का वचन सुनाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये वचन बार बार विश्वास के साथ दोहराइए। और कई लोग प्रभु के पवित्र वचन को बार बार दोहराने से चंगे हो जाते हैं। एक वचन जो दिया जाता है वो वचन है, शक्तिशाली वचन है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। इसायास अध्याय 53 वाक्य 5, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। पेतरुस अपने पहले पत्र की अध्याय 2 वाक्य 24 में भी इसी बात को दोहराते हैं, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, यानी यीशु के घावों में हमें भला चंगा करने की शक्ति है। यीशु के घावों में हमें भला चंगा करने की शक्ति है। प्रभु यीशु को घायल किया गया, हम जानते हैं, मानसिक रूप से घायल किया गया। यहूदी धर्म गुरुओं ने यीशु का विरोध कर करके उनको घायल किया, यीशु का उपहास करके उनको घायल किया, लोगों के सामने उनका अपमान किया गया। यीशु के ही 12 प्रेरितों में से एक ने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वा दिया। यीशु के दिल पर चोट लगी। उनके 12 प्रेरितों में से एक अगुआ पेतरुस ने यीशु का इनकार किया, उनका तिरस्कार किया। सभी शिष्य उनको छोड़कर भाग गए। भीड़ ने पुकार कर कहा कि इसे क्रूस दीजिए। यीशु को 2 डाकुओं के बीच लटकाया गया उनका अपमान करने के लिए। उनका वस्त्र उतारा गया, नंगा किया गया। लोगों ने उपहास किया, सिर हिला हिला के। यीशु को बहुत तरह से मानसिक रूप से घायल किया गया। यीशु को शारीरिक रूप से घायल किया गया। उनका संपूर्ण शरीर घावों से भरा हुआ था। 40 कोड़े लगाए गए। सिर पर कांटों का मुकुट रखकर सिर को भी घायल किया गया। उनके दोनों हाथों में कीलें ठोकी गईं। उनके पैरों में कील ठोकी गई। प्रभु यीशु घायल किए गए। वचन कहता है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। अर्थात यीशु का एक एक घाव हमारी चंगाई के लिए महान दवा है। यीशु के एक एक घाव के द्वारा हम चंगे हो जाते हैं। यीशु के एक एक घाव में ईश्वर की कृपा बहती है। एक एक घाव ईश्वर की कृपा का माध्यम है। लेकिन हम अपने आप को देखेंगे इस समय, हमारे जीवन में क्या होता है। कुछ दिन पहले एक युवती आई थी आश्रम में, बहुत प्रार्थना करने वाली है, लेकिन किसी ने उसके बारे में कुछ कहा, वो टूट गई, रोने लगी, उसको बहुत चोट लग गई,
और वो चिल्लाने लगी, करीब 2-3 घंटे तक लगातार रोती रही, खाना नहीं खाई। काफी देर के बाद मैं उसके पास गया, उसको शांत किया। शांत करने के बाद मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, तुम जिस प्रभु पर विश्वास करती हो उस प्रभु की इतनी चोटें लगी लेकिन वो रोया नहीं, बिलखा नहीं, रूठा नहीं, ये क्या हो रहा है तुमको? एक छोटी सी बात पर तू टूट गई, घायल हो गई। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में सभी मनुष्य हैं और सभी मनुष्य टूटे हुए हैं, घायल हैं। घायल घायल से टकराता है, चोटें लगना स्वाभाविक है। पति को पत्नी से चोट लग जाती है, पत्नी की बोली से, पत्नी के व्यवहार से, पत्नी के मौन से। पत्नी को पति से चोट लग जाती है उसकी बातों से, उसके व्यवहारों से, उसके मौन से और अन्य बातों से। भाई को बहन से चोट लगती है, बहन को भाई से चोट लग जाती है। पड़ोसी को पड़ोसी से चोट लग जाती है। स्कूल में सहपाठियों से चोट लग जाती है। अध्यापक अध्यापिकाओं से चोट लग जाती है। ऑफिस में अपने सहयोगियों से चोट लग जाती है। ये दुनिया टूटे लोगों की है, घायल लोगों की है। यहां चोट खाना तो स्वाभाविक है, चोट खाना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम उन चोटों की को कैसे सामना करते हैं। हमारी क्या प्रतिक्रिया है, हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? टूटना, रोना, बिलखना, गुस्सा करना, गुस्से को बनाए रखना, बैर बनाए रखना, दुश्मनी बनाए रखना, हो सके तो प्रतिशोध करना, दूसरों को कोसना, उनकी बुराई सोचना कि मर जाए, उनको ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। देखिए हमारी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन प्रभु येसु की क्या प्रतिक्रिया थी? कैसे प्रभु येसु की चोटें, घाव कृपा का माध्यम बना? प्रभु येसु की क्या प्रतिक्रिया थी? पहला पेत्रुस अध्याय 2 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने कुछ पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्व विचार करते हैं। जब येसु को चोट लगी तो उन्होंने गाली नहीं दी, धमकी नहीं दी। येसु के बारे में इतिहास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, उसे दुखभोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। यानी प्रभु येसु ने उन घावों की के प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? गुस्सा, क्रोध बिल्कुल नहीं, स्वीकार किया। जानते हैं किसके अंदर घावों के द्वारा ज्यादा दुख होता है, किसको ज्यादा पीड़ा होती है? मैंने कहा कि सबको घाव तो होता ही है, चोटे खाना तो स्वाभाविक है, लेकिन किसको ज्यादा पीड़ा होती है? जिसके अंदर बहुत घमंड होता है, जो अपने को दूसरों से बड़ा समझता है, अच्छा समझता है, पवित्र समझता है, समझदार समझता है, ज्ञानी समझता है। हमारे अंदर जितना ज्यादा घमंड है उतना ज्यादा चोट लग जाती है। दूसरा कारण, हम नाजुक होते हैं, कई लोग नाजुक होते हैं, सहनशीलता है ये नहीं। हो सकता है बचपन से ऐसा हूं, सहनशीलता नहीं है, सहन करने की शक्ति नहीं है, अपने को मुलायम नरम नाजुक बना के रखे हैं, कठिन परिस्थितियों से गुजरने के लिए उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, नाजुक हैं। तीसरा कारण है, हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को भगवान समझते हैं, बड़े समझते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। नहीं, पति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यानी उसकी बहुत ज्यादा उम्मीद थी, उससे बहुत ज्यादा प्रेम की उम्मीद थी, बहुत ज्यादा सम्मान की उम्मीद थी। जब बहुत ज्यादा दूसरों से सम्मान और प्रेम की उम्मीद है और उनसे कुछ मिल जाता है ऐसी चोटें, तो हम टूट जाते हैं। चौथा कारण है कि हमारे अंदर अभिषेक ना होना, पवित्र आत्मा का सानिध्य ना होना, पवित्र आत्मा का कवच ना होना। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का कवच नहीं है,
सानिध्य नहीं है, अभिषेक नहीं है, तो छोटी छोटी बातों के लिए हम रूठ जाते हैं, चोट खाते हैं। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है तो आसानी से हमें घाव लगता नहीं, अगर लगता भी है तो हम दुखी नहीं होते हैं। मैंने कहा घाव लगना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी नहीं होते हैं। जानते हैं आपके घाव आपको संत बना सकते हैं। जब कई लोगों के जीवन में मैं दुख देखता हूं, पति से दुख आना पड़ता है, पत्नी से दुख आना पड़ता है, मैं उनसे बोला करता हूं संत बनो, संत बनो। यीशु के घावों में इतनी कृपा है तो आपके घावों में भी कृपा है, संत बनो। मैं एक दंपति को जानता हूं, बहुत दूर है यहां से, पति पत्नी दोनों को मैं शादी से पहले जानता हूं। शादी के बाद कुछ वर्षों के बाद, करीब 10 साल के बाद पति गुजर गए। एक बार जब मैं उसके साथ सफर कर रहा था, उसने कहा, जानते हैं मेरी पत्नी मुझे बहुत सताती है, एक तो बच्चों की परवरिश नहीं करती ढंग से, मैं कम बोलने वाला हूं, बहुत ज्यादा बोलने वाली, वो बहुत ज्यादा बोलती है, खाना नहीं पकाती है, ऊंची ऊंची बातें बोलती हैं, लेकिन मैं घर पे बच्चों को संभालता हूं, सारा काम करता हूं, बाहर भी काम करता हूं, बहुत चोट खाता था, लेकिन बेचारा किसी को बोलता नहीं था, बड़ा विनम्र व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति, प्रार्थना पे मैं व्यक्ति। उसके मरने के बाद उसकी पत्नी को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने पति को खोया है। पत्नी ने एक दो साल के बाद मुझसे कहा कि जानते हैं मेरे पति की कब्र के सामने कई लोग आते हैं, फूल रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनमें से कई लोगों ने मुझसे कहा कि उनको उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। मैं उस लड़की से बोलना नहीं चाहता था कि तुमने अपने पति को संत बनाया, उसने बार बार सताया उसको, एक एक बात मैं आपके सामने रख नहीं सकता। दाम्पत्य जीवन में बहुत सारे रहस्य भी होते हैं। उस पति को उसने बहुत सताया, लेकिन उसने अच्छी तरह से स्वीकार किया और एक संत जैसा जीवन जिया, संत जैसे मरा भी। जो घाव आपको दूसरों से प्राप्त होते हैं वो आपके लिए कृपा का माध्यम बन जाता है, दूसरों के लिए भी कृपा का माध्यम बन सकता है। तो सवाल ये खड़ा होगा कि हमारे घाव हमारे लिए और दूसरों के लिए कैसे कृपा का माध्यम बनेगा, कैसे कृपा के माध्यम बनेंगे। सबसे पहले उसको स्वीकार करना, डोंट रेजिस्ट, उसका विरोध नहीं करना। जब लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, कुछ बोलते हैं, रेजिस्ट नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना। देखिए पहले पेत्रुस अध्याय 3:9 में पेत्रुस कहते हैं, आप ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बनाए गए, बुलाए गए हैं, इसलिए गाली के बदले गाली नहीं देना, आशीर्वाद देना। डोंट रेजिस्ट, जब आपको चोट खाना पड़ता है किसी से, उसका तिरस्कार मत कीजिए। हमारे अंदर यह सिस्टम बना हुआ है, यह रेजिस्टेंस का सिस्टम, कोई कुछ कहता है तुरंत हम उसको रेजिस्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं, यह मनुष्य स्वभाव है। हमें इसके खिलाफ जाना है, स्वीकार करना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, प्रवक्ता अध्याय 2 वाक्य 4 में, जो तुम पर बीतेगा उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट इट। आपकी चोटें आपके लिए और दूसरों के लिए कृपा का माध्यम बन सकती हैं, अनुग्रह का माध्यम बन सकती हैं, जब आप उसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करो, डोंट रेजिस्ट, तिरस्कार मत करो, तुम कौन होते बोलने वाले, मैं तुमको जानता हूं, ना 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 ना, रेजिस्ट मत करो, स्वीकार कर लो। कैसे स्वीकार करना है, पैसिवली नहीं, एक्टिवली, यानी नकारात्मक ढंग से नहीं, सकारात्मक ढंग से, खुशी से स्वीकार करना, पहली बात। दूसरा है, जब आपको चोट मिल जाती है आप
उस व्यक्ति की ओर देखना जिसको सबसे ज्यादा चोट लगी थी, यीशु की ओर देखना, उस क्रूसित यीशु की ओर देखना, उनकी चोटों पर, उनके घावों पर मनन करना। जब आपको चोट मिल जाती है उसकी ओर देखना जिसको सबसे ज्यादा चोट मिली थी, उस पर मनन करना। तीसरा, अपने घावों को संसार के कल्याण के लिए प्रभु को अर्पित करना। अपने घावों को संसार के कल्याण के लिए अर्पित करना, बंधनों से लोगों के छुटकारे के लिए अर्पित करना, रोगियों की चंगाई के लिए अर्पित करना, इस संसार में जितने दुखी हैं उनके लिए अर्पित करना। प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे ये चोट खानी पड़ी अपने पति से, मैं स्वीकार करती हूं प्रभु संसार भर के सभी लोगों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए, कल्याण के लिए मैं इसको समर्पित करती हूं। एक एक घाव को समर्पित करना। इस तरह जिस तरह यीशु के घाव अनुग्रह और कृपा का माध्यम बने, उसी तरह आपके भी घाव अनुग्रह और कृपा के माध्यम बनेंगे। मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूं, दुख बेकार नहीं है, दुख को बेकार जाने मत दीजिए। कई वर्ष पहले जब मैं दिल्ली जाया करता था, उस समय वहां पर सफदरगंज अस्पताल के बगल में रिंग रोड पर एक संस्था है, शांति अवेदना। ये उन लोगों के लिए आश्रम है, संस्था है, जो कैंसर के रोगी हैं और मरणासन है, यानी मरने वाले हैं। ऐसे रोगी वहां पर रखे जाते हैं, उनकी सेवा की जाती है। जब भी मैं वहां जाया करता था, कुछ देर उनके साथ बिताता था, बात करता था बहनों से और रोगियों से मिलता था। एक बार वहां पहुंचते ही वहां की सिस्टर ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, हमने सारे रोगियों को बाहर बैठाया है, आप उनको वचन सुनाइए। मैंने सोचा, प्रभु मैं कौन सा वचन सुनाऊं? किसी का चेहरा कटा हुआ है, किसी आंख नहीं है, किसी के इधर उधर चोट है और ये जल्दी मरने वाले हैं, मैं उनसे क्या कहूं, क्या संदेश उनको दूं? मैं धर्म संकट में पड़ गया। अचानक प्रभु ने मुझे एक प्रेरणा दी, उनसे कहो यह एक यज्ञ है और इसकी सुगंध मुझे प्रिय है, यह एक यज्ञ है और इसकी सुगंध मुझे प्रिय है। मैंने उनसे कहा कि भाई और बहनों, आप इस समय दुख में हैं, पीड़ा में हैं, शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा भी। मानसिक पीड़ा इसलिए कि आपके घर वालों ने आपको यहां छोड़ा है, शारीरिक पीड़ा क्योंकि आपके शरीर में रोग है। लेकिन प्रभु ये कहते हैं कि इसको व्यर्थ में जाने नहीं देना, लेकिन इसको एक यज्ञ बनाना, इसको एक यज्ञ बनाना, एक बलिदान बनाना। इस संसार का सबसे बड़ा और महान बलिदान जानते हैं क्या है? क्रूस पर लटके यीशु, घायल यीशु, क्रूस पर लटके यीशु, जिनकी ओर कोई देखना तक नहीं चाहता, उस यीशु के बलिदान को ईश्वर ने स्वीकार किया। उसी तरह आपके इस बलिदान को ईश्वर स्वीकार करता है और ईश्वर की दृष्टि में आपकी आपकी दुर्गंध सुगंध है। हमें अपने जीवन के दुखों और विशेष करके चोटों को इस दृष्टिकोण से देखना होगा, तब आप जानेंगे, आप देखेंगे आपके चोट आपके लिए और दूसरों के लिए कृपा के माध्यम बनेंगी। प्रभु ने मुझे कृपा दी है चोटों को स्वीकार करने की। मैं चुप हो जाता हूं, कमरे में जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपने जीवन के चोटों को, घावों को कृपा का माध्यम बनाइए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, हमारे घावों द्वारा हजारों लाखों भले चंगे हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पवित्र क्षणों के लिए, तेरे उस घायल शरीर को समय हम अपनी आंखों से देखते हैं, जब तू क्रूस पर लटका हुआ था, तेरा शरीर घावों से भरा हुआ था,
ऊपर से लेकर नीचे तक तू घायल था, लेकिन तू इस कारण बिलखा नहीं। तूने धमकी नहीं दी, गालियां नहीं दी, बल्कि तूने इसको एक सुंदर बलिदान के रूप में पिता को समर्पित किया और कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। तेरे उन घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हमें अपने घावों को कृपा का माध्यम बनाने की कृपा दीजिए। जीवन में प्राप्त एक एक घाव को कृपा का माध्यम बनाने की कृपा दीजिए। हमें सहनशीलता दीजिए, प्रेम दीजिए, तुझ पर भरोसा रखने की शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आराधना में हम अपने जीवन के सारे दुखों को समर्पित करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे लिए और दूसरों के लिए कृपा के माध्यम बने। यीशु ने कितने दुख हैं सहे,
हालेलुया 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 परम पवित्र वेदी पर विराजमान महाप्रतापी करुणामय हमारी चोटों को मिटाने वाले प्रभु की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखिए और अपने दोनों हाथ खुला रखिए। व्यक्तिगत रूप से प्रभु की आराधना में लग जाइए। यीशु ने समारी स्त्री से कहा, ईश्वर आत्मा है और उसकी आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम इस समय आत्मा और सच्चाई से उस महान प्रभु की आराधना करें। मां मरियम ने कहा कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हमारी आत्माएं इस समय प्रभु का गुणगान करें, प्रभु की आराधना में लग जाएं। अपने अंतस्थल से प्रभु की आराधना कीजिए। इस समय प्रभु का सान्निध्य अनुभव करना, ये मानना कि प्रभु मुझे प्यार करते हैं। मेरे सारे पापों और अपराधों के बावजूद प्रभु मुझे स्वीकार करते हैं। उनका प्रेम कभी घटता नहीं है, उनका प्रेम मेरे लिए सदा बहता रहता है। एक ऐसी दृढ़ धारणा इस समय अपने हृदय में धारण कीजिए। उत्साह के साथ, भरोसे के साथ प्रभु के सामने आइए। डरना नहीं है। बच्चा अपने बाप से डरता नहीं है, उसके पास आ जाता है। प्रभु ने कहा कि बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हम इतने बुरे हैं लेकिन तब भी हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं। वह परिशुद्ध प्रेम प्रभु, भला प्रभु हमें प्रेम क्यों नहीं करेगा, हमें क्यों नहीं देगा। अपने हृदय और मन में यह धारणा मजबूत कीजिए। प्रभु मेरी आवाज को सुनने वाला, मेरी पुकार को सुनने वाला है। पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के सामने आइए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु के सामने लाइए आराधना में। अपनी थकान को ले आइए, अपने बोझ को ले आइए, अपने परिवार को ले आइए, परिवार की समस्याओं को ले आइए, अपने व्यक्तिगत समस्याओं को ले आइए, रोगों को ले आइए, जीवन की विफलताओं को लेके आइए, हर तरह की पीड़ा को लेके आइए। He loves you, my sister, my brother. वो आपको प्यार करता है, आपके लिए सोचता है। पेत्रुस कहते हैं कि वो आपकी सुधी लेता है। अपने हृदय की बातों को प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, हे यीशु, मैं डर गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं घबरा घबरा कर जीता हूं, मेरा भविष्य अंधकार में लग रहा है, मेरे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां हैं, बहुत सारी विफलताएं हैं, मैं बीमार रहता हूं, मैं परेशान रहता हूं, मेरी आत्मा बहुत परेशान रहती है। यीशु, मुझे तेरी जरूरत है, यीशु तेरी जरूरत है। मैं जानता हूं कि तू ही मुझे चंगा कर सकता है, मुझे स्वस्थ बना सकता है। मैं तेरे पास आया हूं बड़ी उम्मीद लेकर। इस समय यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी उम्मीदों को मेरे जानने सोचने से पहले जानता है, इसलिए मैं पूरी तरह से स्थिर होकर भरोसे के साथ तेरे सामने बैठा हूं। तेरी आराधना हो यीशु, तेरी आराधना, तेरी महिमा यीशु, तेरी महिमा। मेरे सारे हृदय से मैं तेरी आराधना करता हूं।
दर्द पीड़ाओं के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी महिमा। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू, वर्शिप यू लॉर्ड, अडोर यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कुछ पलों के लिए अपनी आंखें खोलना मेरे प्रिय भाई और बहनों। इस संसार में हर मनुष्य घायल है, इस संसार में हर मनुष्य टूटा हुआ है, क्योंकि वह मनुष्य से उत्पन्न हुआ है। हर मनुष्य घायल है, टूटा हुआ है, अधूरा है, अपूर्ण है। आप और मैं भी अछूते नहीं हैं, हम भी घायल हैं, टूटे हुए हैं। हमारे जीवन की विकृतियां, हमारे जीवन की दुखमय बातें इसका प्रमाण है कि हम टूटे हैं, हम घायल हैं। क्यों लोग नशा खाने पीने लगते हैं? क्यों लोग वासना में लिप्त हो जाते हैं? क्यों लोग कठोर हो जाते हैं? हमारे अंदर अपूर्णता है, टूटापन है, घायल है, घाव है। हमारे बचपन से लेकर आज तक हमें कई लोगों से घाव मिल जाते हैं। बचपन से माँ बाप से, भाई बहनों से, मित्रों से, आसपास के लोगों से, दादा दादी, अन्य रिश्तेदारों से, घाव पर घाव, चोट पर चोट आ जाती है। स्कूल जाने पर स्कूल के विद्यार्थियों से, सहपाठियों से, टीचर्स से कितनी चोटें मिली हैं। चोट पर चोट पर चोट। बड़ा होने पर युवाओं से, युवा साथियों से, शादी के बाद पत्नी से, पति से, चोट पर चोट। और बड़े होने पर बच्चों से। एक तरह से देखा जाए बचपन से लेकर आज तक हमारे दिलों पर इतने चोटें लगी हैं कि संसार का कोई भी वैद्य उसको चंगा नहीं कर सकता है। कौन वैद्य कह सकता है कि मैं आपके बीते जीवन की एक एक चोट को चंगा कर दूंगा और कहूंगा लो मैंने किया है? नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, यरमियास अध्याय 30 वाक्य 17 में, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। वही प्रभु आज इस वक्त हम में से हर एक से कहता है, बेटा मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा, मैं उन्हें चंगा कर दूंगा। बेटी मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और उन्हें चंगा कर दूंगा। प्रभु पर विश्वास करना। एक प्रभु को छोड़कर इस संसार में कोई भी आपकी दिल की चोटों को चंगा नहीं कर सकता है। आपके जीवन में आप खुलकर मुस्कुरा नहीं पाते, हंस नहीं पाते हैं, खुलकर गा नहीं पाते, चिल्ला नहीं पाते हैं। कई शारीरिक रोग भी इन चोटों के चलते हैं। चेहरे पे वे चोट दिखाई देती हैं, जो शोक है, जो दुख है, जो ग्लानी चेहरे पर लिखी हुई है, दिखाई दे रही है, दिल की चोटों के कारण है। हम सबको चंगाई की जरूरत है। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। समय कम है लेकिन प्रभु के लिए पल भर भी काफी है। पल भर में प्रभु ने इतने सारे लोगों को चंगा किया है, उनकी चोटों को मिटाकर उनको आनंद से भर दिया है। वही प्रभु ये करेंगे। आंखें बंद करना, अपने दोनों हाथों को खुला रखना, अपने हृदय की चोटों को समय देखने का प्रयास करना। मेरे दिल में कितनी चोटें हैं, मैं कितना रोता हूं, मेरे आंखों से कितने आंसू गिरते हैं, मैं कितना रूठता हूं,
मैं कितना दुखी रहता हूं, मैं कई दिनों तक दुखी रहता हूं, इसका मतलब मेरे दिल में बहुत चोटें हैं। मैं क्रोधित हो जाता हूं, चिड़चिड़ा जाता हूं, इसका मतलब मेरे दिल में बहुत चोट है। ओ यीशु, मुझे तेरी चंगाई जरूरत है। तुझे छोड़कर और कोई मुझे चंगा कर सकता, कोई नहीं चंगा कर सकता है। वचन में हम पढ़ते हैं कि तूने रोगियों को चंगा किया शब्द मात्र से। आई बिलीव जीसस, यू अलोन कैन हील माई वूंड्स। मैं विश्वास करता हूं कि तू ही एकमात्र है जो मेरी चोटों को मिटा सकता है। हे यीशु, मैं अपने हृदय को तेरे सामने खोल देता हूं, हृदय की चोटों को तेरे सामने खोल देता हूं। यीशु, तेरे पवित्र रक्त को मेरे चोटों पर इस समय डालना और इसे शुद्ध और पवित्र करना, चंगा करना। यीशु, अपने दोनों हाथों को खुला रखना मेरे भाई मेरी बहन, अपनी आंखें बंद रखना, ईमानदारी के साथ इस समय प्रभु के सामने अपने दिल की चोटों को रखना, बोलना, यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे चंगा करेगा, मैं अपने आप को तेरे हाथ में खोल देता हूं। यीशु, तेरे पवित्र रक्त को समय मेरी चोटों पर डालना और मुझे चंगा करना। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, आंखें मंद करके गाते जाएंगे, यीशु प्यारे मेरे दिल में आना, मुझे भी अपना प्यार दिखाना, मुझे चंगा करना, मुझे शुद्ध करना। हृदय खोल कर समय हम गाएंगे। यीशु
यीशु के समय आपके हृदय को स्पर्श करने दीजिए। लेट द लॉर्ड टच योर हार्ट एंड हील यू। यस बिलीव। यीशु आपको शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। यीशु आपकी चोटों को मिटा रहे हैं क्योंकि वो प्रेम करते हैं, क्योंकि उसके वचन में लिखा हुआ, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। आई विल फिल योर वूंड्स एंड हील यू माई पीपल। आई विल फिल योर वूंड्स एंड हील यू माई पीपल। बिलीव इन हिम, ट्रस्ट इन हिम। उस पर भरोसा रखने से मैं यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपने दिव्य रक्त से, पवित्र रक्त से हमें अभिषेक दें, हमारे परिवारों को अभिषेक दें, सारे विश्व को अभिषेक दें। वो गीत गाते हुए हम इस समय अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे पीछे गाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने,
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, जोर से गाइए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से घर घर को धोने, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से घर घर को धोने, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर दिल को धोने, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर तन को धोने, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, हालेलुया 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 अभिषेक हालेलुया 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 मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त की अभिषेक अनुभव कीजिए। यीशु आपको अपने पवित्र रक्त से अभिषेक दे रहे हैं, आपके संपूर्ण शरीर और अपने आपके परिवार को आशीर्वाद और अभिषेक दे रहे हैं। ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरा पवित्र रक्त हमारी सुरक्षा है यीशु, संरक्षण है यीशु। धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम इस समय बड़े विश्वास के साथ संत पापा फ्रांसिस की इस प्रार्थना को दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ इस समय हम प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। Thank you.
यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा तज दे सभी निराशा यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा तज दे सभी निराशा यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा उसमें धुले हमारे